दिल्ली के करोलबाग पदम सिंह रोड पर हजारों की संख्या में लोगों ने सीलिंग के विरोध में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस द्वारा न्याय युद्ध का मंच रखा। फायदा दिलवाया किस तरीके से बाहर। इस मंच पर उपस्थित रहे डीपीसीसी के अध्यक्ष श्री अजय माकन, अरविंदर सिंह लवली व हारून यूसुफ, मुकेश शर्मा व पूर्व निगम पार्षद रेखा रानी। साथ ही मंच पर उपस्थित रहे नेता व पार्टी कार्यकर्ता तथा क्षेत्रीय गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जिसका प्रावधान कानून के अंदर ना हो, दोनों सरकारें दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी ने अजय माकन जी के नेतृत्व में यह फैसला किया कि हम दिल्ली के लोगों को इनके इनके रहमो करम पर छोड़ने वाले नहीं है और दिल्ली के लोगों की रोजी की लड़ाई के लिए हमको कोई भी कदम उठाना पड़े। ये क्या डीसी करेंगे? अभी तो अजय माकन जी, जब तीनों नगर निगम का हाउस नहीं चलेगा, कमिश्नर अंदर ही बिठाया जाएगा, जब इनको बीजेपी वालों को पता लगेगा कांग्रेस किसका नाम है, अजय माकन किसका नाम है। मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं श्री अजय माकन जी को बधाई देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। मेरे भाई हैं अजय माकन जी, 1993 में हर 1907 में और अजय माकन जी इकट्ठे विधानसभा में मदनलाल खुराना की सरकार में विपक्ष में बैठते थे। वो 5 साल का संघर्ष का टाइम दिल्ली के लोगों को याद होगा। हम लड़ाई लड़ते थे, हम 14 थे और 14-17 पर भारी थे। लेकिन एक बात आपको बताऊं, आज दुर्भाग्य है दिल्ली का, हमारा एक भी सदस्य विधानसभा में नहीं है। अगर हमारा एक भी MLA दिल्ली की विधानसभा में होता तो हम बताते कांग्रेस किसका नाम है, हम देखते हैं दिल्ली के अंदर कैसे ये सीलिंग हो जाती। तो यहाँ पे न्याय युद्ध का कर रहे हैं, तो ये तीसरा है इस सीरीज के अंदर जो यहाँ पे हुआ है। सबसे पहला कार्यक्रम जो सबसे बड़ा और पूरी दिल्ली को हिलाने वाला गांधीनगर के अंदर हुआ, उसके बाद त्रिनगर में और फिर आज यहाँ करोल बाग में है। इसके बाद में हम लोग दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर जाएंगे और दिल्ली के और दूसरे इलाकों से भी सब जगह के व्यापारी साथी हम लोगों को बुला करके न्याय युद्ध का वहां पे कार्यक्रम रखना चाहते हैं। लेकिन ये न्याय युद्ध क्यों है, न्याय युद्ध क्या है, मैं ये आप लोगों को इस बात से शुरुआत करना चाहता हूं। न्याय युद्ध ये है कि जिस वक्त 2006 में सीलिंग और डिमोलिशन की तलवार जिस वक्त लटकी हुई थी, उस वक्त आप सब लोगों में से बहुत सारे व्यापारी साथियों, एसोसिएशन के चिर परिचित चेहरे आप लोग मेरे से आकर के मिले थे। जो भी हमारे पास में आता था 24 में से 24 घंटे हमारे घर के, हमारे ऑफिस के दरवाजे उनके लिए खुले रहते थे। और केवल हमारे ऑफिस के और घर के दरवाजे केवल खुले ही नहीं रहते थे, हमारे अधिकारी वहां पर बैठे रहते थे। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई ऐसा स्क्वायर फिट दिल्ली का, कोई ऐसा स्क्वायर मीटर दिल्ली का ऐसा नहीं है जहां पर हमने मास्टर प्लान को बदल बदल करके, जहां पर हमने कानून पर कानून ला करके वहां पर गरीब आदमियों को राहत देने का कार्य ना किया हो। दिल्ली का कोई एक चप्पा चप्पे में से दिल्ली का कोई ऐसा इलाका नहीं है। ये कांग्रेस के काम करने का तरीका है जिसको हम लोगों ने उस वक्त 2006-7-8 के अंदर हम लोगों ने लगाया। हम लोगों ने क्या किया, जो स्पेशल एरिया करोलबाग का इलाका, जहां पर पटेल नगर भी है, जहां पर पहाड़गंज भी है, जहां पर आनंद पर्वत तक फैलता है, हमने कहा ये सारा का सारा स्पेशल एरिया है, इसके अंदर स्टेटस को होना चाहिए, इसमें सीलिंग नहीं हो सकती, ये हमने कहा। और आज यहां पर एक ईंट नहीं हटाई जा सकती, ये हम लोगों ने इसका इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर रिलीफ दिए। लेकिन दुख तब होता है, हमारे पास में यहां से स्वर्णकार कल उनको लेकर के मैं LG के पास गया, घर के अंदर सोने के छोटे छोटे जेवरात बनाने वाले लोगों को सील कर दिया गया, 85 ऐसे जगहों को सील कर दिया गया, मतलब कि कई 100 स्वर्णकार परिवार आज बेरोजगार हो गए हैं, उनको रहने के और उनके काम करने की जगह नहीं है। यहां पर WEA के अंदर डैमेजेस के इशू के ऊपर लोगों की दुकान और मकान को DDA ने तोड़ दिया, ये हम लोगों की लड़ाई थी जिसको लेकर के गए। ये मंदीप कोहली हमारे साथ में बैठे, इनको स्ट्रोक हुआ,
और एक तरफ पैरालिसिस हो गया। क्यों? क्योंकि इनकी तीन दुकानें सूट मार्केट के अंदर थी, आज तीनों के तीनों दुकानों के ऊपर ताला लगा हुआ है। इनके घर के अंदर अपने बच्चों के स्कूल की फीस देने तक के पैसे नहीं है। ये काम आज हमारे देश की और दिल्ली की सरकार हमारे दिल्ली के अंदर कर रही है। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई ये है, जो न्याय युद्ध जिसको हम कह रहे हैं। आज हम आप लोगों के सामने ये कहना चाहते हैं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी हैं, चाहे हम सत्ता में हो चाहे विरोध में हो, हमें सिखाया गया है कि जनता के हकों की और गरीब लोगों की लड़ाई लड़नी है। जब हम सत्ता में थे तो अपने कलम से लोगों को रिलीफ देते थे, जब हम विपक्ष में हैं तो आपके लिए न्याय युद्ध लड़ करके आपको रिलीफ देंगे, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे किसी भी तरीके से लड़ाई लड़नी पड़े। आज हम आपको ये कहने के लिए आए हैं, आज कांग्रेस पार्टी आपके सामने ये ऐलान करने के लिए आई है। मैं तमाम साथियों को, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई की आज हमने शुरुआत करी और इस लड़ाई की शुरुआत करके हम इस लड़ाई को जीतेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। जैसे मैंने कहा, जेलें जानी पड़े तो जेलें भी हम भरेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इन तमाम साथियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे जिनको सरकार ने अन्याय किया है, ये गैर कानूनी सीलिंग है। मैं सर करोलबाग मोटर स्कूटर डीलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, उसके नाते मैं यहाँ पर एकत्रित हुआ हूँ। हमारे और भी पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित है, जो करोलबाग एसोसिएशन ट्रेडर से ताल्लुक रखते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। हम लोगों ने जानबूझकर नहीं, हमारी तकलीफों को, दर्द को देखते हुए हमने अजय माकन जी का सहयोग और साथ देने का फैसला किया है, क्योंकि अजय माकन जी के नेतृत्व में हमें सीलिंग से राहत दिलाने का जो इन्होंने वादा किया, हम सारे व्यापारियों ने इनके साथ मीटिंग करी है और इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि ये न्याय युद्ध के मार्फत हम सड़कों पे, चौकाओं पे, चौराहों पे आकर आपकी मदद करेंगे। इस विषय में हम चाहते हैं कि इस कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से हमारा युद्ध का, न्याय युद्ध का आरंभ हो और हमें कोई राहत मिले, क्योंकि व्यापारी आज इतना मर्जी अंकित है, इतनी ज्यादा परेशानी में है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम में है कि आप जान नहीं सकते कि व्यापारी के ऊपर सिर पे हमेशा तलवार गिरी हुई है और एमसीडी के कुछ लोग कमर में फाइल दबाकर पैसे इंटरव्यू लेने आ जाते हैं और पैसे बटोरने का काम शुरू कर रहे हैं। इस काम में, सीलिंग के काम में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जो हजार रुपया था वो लाखों हो गया, लाखों है और भी लाखों हो गया है। तो हमें इस मार्फत ये नजर आ रहा है, ये राहत नजर आ रही है, अजय माकन की मार्फत हमें कोई राहत मिले और हमारे मार्केट एसोसिएशनों को कोई इस सिलसिला मिले, यही हम आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये दिल्ली सरकार, जो बीजेपी सरकार गूंगी और बहरी सरकार है, उसको ये जताना चाहते हैं कि ये सुन ले, अगर ये काम बंद नहीं किया, ये भ्रष्टाचार बंद नहीं किया, हमारे को डराया धमका कर पैसे लिए जाते हैं उसको बंद नहीं किया, तो हम ये युद्ध में शामिल होकर उनके विरोध में सामने आएंगे। जाए सब्सक्राइब करें।